हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल पर महिला लिपिक ने शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सदर अस्पताल के स्थापना शाखा में पदस्थापित लिपिक पूनम देवी ने उपाधीक्षक पर नहीं बात मानने पर शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर महिला कर्मी ने अधिकारियों को घटना से आत्मग्लानि महसूस करते हुए आत्महत्या कर लेने की धमकी तक दे डाली। वहीं महिला लिपिक द्वारा स्वास्थ्य विभाग के बड़े ओहदे पर काबिज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पर आरोप लगाया गया है, जिससे पूरा महकमा में सनसनी फैल गई है। मेरे पास 10 लाख रुपया अलॉटमेंट आया था स्थापना में, तो CS हमको बार बार बोल रहे थे कि तू पैसा खत्म कर, इसको दवा खरीदारी जल्दी से करो। तो हम बोले सर सूची नीरज देगा तब ना खरीदारी, तो एक बार उसको बोलो। जब उसने हम बोले कि आप दवा का सूची हमको दे दीजिए, हमको दवा खरीदारी करना, तो बोले कि हम मौखिक को नहीं मानेंगे, हमको लिखित चाहिए। बोले ठीक है आपको लिखित दे दे। 2 तारीख को उनको हम लिखित दिए थे, उसके बाद फिर भी नहीं दिए, तो हम 5 तारीख को स्टाफ को भेजे प्यून का कि जाइए पूछे क्या हुआ दवा के बारे में। तो पूछने गए तो बोलते हैं कि नहीं हम दवा का लिस्ट हम नहीं देंगे। तो फिर हम रिमाइंडर चिट्ठी बनाए, उपायुक्त यहाँ एक कॉपी दिए थे, तो फिर जब बनाए उसके बाद पंडित जी को बोले कि जाइए रिसीव करवा दीजिए। पंडित जी रिसीव करवाए, जाकर DS और नीरज दोनों एक ही जगह एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। रिसीव करवा कर आए तो पंडित जी हमको बोलते कि साहब आपको बुला रहे हैं। हम गए तो बोले सर बोलिए, तो इस लेटर नंबर वहाँ का है, तुम यहाँ कैसे चढ़ा दे। बोले स्थापना का पैसा यहीं है, DDO CS यहीं का है, तो हम क्यों नहीं चढ़ाएंगे सर। यदि आपको गलत लगता है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ना तो साहब से हम कैंसिल करवा कर दूसरा लेटर बनाते हैं। तो फिर उतने में क्यों फिर आग पूरा आग बड़ा बड़ा दिखने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। फिर जैसे चिल्लाने लगा वैसे पंडित जी से सब चम्मर से सोचने लगे कि क्या हुआ। तो बाहर सबको आया, पूरा पब्लिक और स्टाफ सब जुट गया, लेकिन अंदर कैमरा अंदर चैम्बर में कोई नहीं गया था। और उठ के हमको ऐसे करके पूरा धक्का हमको लगाए, बोले सर आप ये क्या कर रहे हैं सर, आप तो यहाँ CCTV लगा हुआ फिर भी आप ऐसे क्या कर रहे हैं, आपके पास तो कलम है ना, कलम से तो आप मार सकते हैं। तो फिर शांत हो गए, फिर बैठ गए, फिर रजिस्टर हमसे छीनने लगे। निर्गत रजिस्टर फाड़ने वाले थे, लेकिन हम उनसे किसी तरह छीने और छीन के वही तुरंत हम CS के पास गए और तुरंत हम बोले कि सर मेरे साथ इस तरह हरकत हुआ। CS बोले कि अपने आप को तुम संभालो अभी, उसके बाद कार्रवाई बाद में होगा। वहीं जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर मनीष से बातें की तो उन्होंने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। आप पर आरोप लगाया गया है पूनम कुमारी के छेड़खानी का मामला है सर, इस पर क्या कहना आपका? ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। हम तो चाह ही रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो, उपायुक्त महोदय चाहे सिविल सर्जन द्वारा।